हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया था। उसमें आपको पता चल चुका है कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें हम सैम्पल स्पेस के हर सैम्पल पॉइंट को एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा आपको। पिछली वीडियो आई थिंक आप देख चुके हैं, अदरवाइज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर हमने रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया था, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ये तीनों चीज़ें डिस्कस की थी और एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस टर्म से रिलेटेड है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि जब आपके पास बात डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की है तो आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालेंगे, और अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं निकलेगा, उस केस में आपके पास क्या निकलने वाला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होंगे हम अच्छे एग्जांपल्स पर भी आएंगे। बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे जो क्वेश्चन आएगा वो एक दूसरे टॉपिक से लिंक होगा, तो अगर आपका हर टॉपिक का बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से पहले हमने देखा था कि रैंडम वेरिएबल के अंदर हम हर सैंपल पॉइंट जो कि एक सैंपल स्पेस से लिया गया है उसके लिए एक वैल्यू असाइन करते थे, और उस सेट को हम रैंडम वेरिएबल का मतलब उस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यू आ जाती थी वो रैंडम वेरिएबल होती थी। अब हमारे पास क्या है कि देखिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डेट इज़ अगर आप उसको पी से ले रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, आर ऑफ एक्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, राइट? ठीक है, दो कंडीशन होंगी आपके पास। पहली कंडीशन कि ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है, ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है ये जीरो टू वन के बीच में होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर ऑफ एक्स। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या आने वाली है, इन सभी का सबमिशन, इन सभी वैल्यूज का सबमिशन आपके पास वन आने वाला है। ठीक है, पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो जीरो टू वन के बीच में लाई कर रही होगी। सेकेंड कंडीशन है कि सारी वैल्यूज का जो सबमिशन आप जब करेंगे तो आपके पास वन के इक्वल आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन को आप चेंज करके क्या कर सकते हो, ये आपके देखिए इसके अंदर आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो टू वन है। ठीक है, तो रेंज अगर जीरो टू वन आ रही है तो इधर भी आप जीरो टू वन कर सकते हो, बट उस केस के अंदर अलग से आपको फर्स्ट कंडीशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अभी हम कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको कुछ लिखना ही नहीं, जस्ट आपको उस कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल तो एग्ज़ाम है नहीं कि आपको वहाँ पे कुछ डेफिनेशंस या फिर वहाँ पर आपको प्रूफ्स करके आने हैं, यहाँ पर तो सिर्फ आपको जस्ट कंसेप्ट अगर आता होगा तो आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एक बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है आपका IIT जैम MS का एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ आपको, या फिर इनकेस आप CSIR NET की भी तैयारी कर रहे हैं तो पहले कंसेप्ट समझिए, उसके अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप अच्छे क्वेश्चन ट्राई ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बात की आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो आपके पास ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो कैसे आएगी, जीरो टू वन के बीच में आएगी, और उन सभी वैल्यूज का अगर हम सबमिशन कर देंगे तो वो हमारे पास वन के इक्वल आने वाला है। नाउ कम टू आर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर देखिए क्या होगा, आपके पास f जो है r ऑफ x टू जीरो टू इन्फिनिटी पर डिफाइंड होगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या रहेगी कि f ऑफ x की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, फॉर ऑल x बिलोंग टू r ऑफ x। आर ऑफ एक्स आपके पास वो रेंडम वेरिएबल है जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर निकालना सीखा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, देखिए हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस के केस के अंदर आपके पास
जो वैल्यू आने वाली थी वो एक इंटरवल की फॉर्म में आने वाली थी, मैंने आपको बताया था। तो इस चीज को आप यहाँ पर चेंज करके एक इंटरवल भी लिख सकते हैं। और ये इंटरवल है कौन सा? ये इंटरवल जो आपने एक्स डिफाइन किया था ना, सैम्पल स्पेस से लेकर आर ऑफ एक्स। और क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूस के केस में ये चीज इक्विवेलेंट होती है किसके, ए टू बी, एक इंटरवल के, राइट। अगर ये आपके पास इस इंटरवल के इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपको पता है इसके केस के अंदर आपके पास रेंज सेट क्या आता था, रेंज सेट हमारे पास काउंटेबल आती थी, बट इस केस के अंदर इंटरवल फॉर्म की आती थी। अगर इस केस के अंदर जो आपके पास आंसर आने वाला है वो इंटरवल फॉर्म में आने वाला है, तो इसमें आपके पास कोडोमेन क्या होगी, 0 to infinity, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, यहाँ पर हमारे पास 0 to 1 थी। और सेकेंड हम क्या ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे ए टू बी है ना, तो ए टू बी आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, मतलब ए टू बी का अगर हम होल इंटीग्रेशन, या ए टू बी आपके पास कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी लेना है आपको, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास ये इंटरवल 1 to 2 भी हो सकता है, 2 to 5 भी, 3 to 7 भी, कुछ भी आ सकता है, ये होगा बट एक इंटरवल की फॉर्म में, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, राइट। चलिए अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे हम क्या लेंगे, डोमेन से ही पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने एक्स कहाँ से लिया था, डोमेन के अंदर से। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन से पॉइंट ले रहे हैं और उसका इंटीग्रेशन कर दिया ओवर द लिमिट्स ए टू बी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1, उसके पूरे सबमिशन, ठीक है। अगर आप ए टू बी के बीच में आपके पास कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर 3 to 5 इंटरवल है टोटल, और आपने 3 to 4 के बीच में निकाला, वो 1 होना जरूरी नहीं है, बट अगर आप 3 to 5 पे इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो वो चीज़ आपके पास 1 होगी। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा, उसकी दो कंडीशंस थी, पहली पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपके पास सारी टर्म्स का सबमिशन करने पे 1 आने वाले है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जब हमने बात की, ये चीज़ रिलेटेड किससे है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, और ऊपर वाली चीज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी कि हमारे पास जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डोमेन के लिमिट्स के अंदर, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 1, ठीक है। आई थिंक ये आपको चीज़ पूरी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए रफली, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपका एफ एम एस का क्वेश्चन है, गुप्ता एंड कपूर वाली बुक का। तो आपके पास 3 कॉइन जो है वो टॉस किए गए हैं, ठीक है, अब अनबाइस्ड कॉइन्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, 3 रैंडम वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड किस तरीके से डिफाइन है वो देखिए। एक्स क्या है आपके पास, नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं, देन वाई क्या है, नंबर ऑफ हेड रन्स, और जेड क्या है, लेंथ ऑफ हेड रन्स। अब आपको शायद दिक्कत आ रही हो कि हेड रन्स और लेंथ ऑफ हेड रन्स का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एच 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 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ हेड रन्स कितना आएगा, देखिए 1। ये हेड रन्स क्या है, आपके पास कॉन्सिक्यूटिवली एक साथ दो, कम से कम दो बार हेड आना चाहिए, हेड रन्स का मतलब ये है, ठीक है, दो से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं लेकिन दो बार तो ज़रूर आना ही आना चाहिए। अगर जैसे आपके पास टी एच टी है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब जैसे आपके पास, क्योंकि इसके अंदर दो बार कहीं पे भी कॉन्सिक्यूटिवली हेड आ ही नहीं रहा, जैसे मान लीजिए आपके पास एच एच टी है तो यहाँ पे दो बार आ रहा है, कंसिडर आपको इसको एक ही बार करना है, क्योंकि नंबर ऑफ हेड रन्स है ना कॉन्सिक्यूटिवली दो दो या दो से ज़्यादा के पेयर्स कितनी बार है, कितनी बार है आपके पास, एक ही बार है इसके अंदर, इसमें भी कितनी बार है, एक ही बार, इसमें है ही नहीं, टी एच एच इसमें कितनी बार है, एक बार, इस तरीके से आपको निकालना है। अब लेंथ ऑफ हेड्रन्स, उस हेड्रन्स की लेंथ कितनी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, एक, मतलब कॉन्सिक्यूटिवली कितने हेड आ रहे हैं, 3। अब जिसका आंसर ऑलरेडी 0 आ चुका है उसमें तो 0 ही आना है। अब इसके अंदर हेड कॉन्सिक्यूटिवली एक ही बार पेयर था और उसकी लेंथ कितनी है, 2,
इस तरीके से आपको लेंथ के अंदर लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी सैम्पल स्पेस के अंदर, तो आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी कि कैसे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, x, y, z तीन रैंडम वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले आपको x के अंदर बिल्कुल सिंपल काम करना है। क्या करना है आपको, आपको इसके अंदर नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं। तो HHH के अंदर 3, HHT के अंदर 2, हेड कितने हैं सिर्फ आपको ये गिनने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स गिनने हैं, बहुत सिंपल सा काम है, और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर 1, 2, 1, 1, 0। ठीक है, अब नंबर ऑफ हेड रन्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया HHH के अंदर नंबर ऑफ हेड रन्स कॉन्सिक्यूटिवली कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, यहाँ पे एक बार। ठीक है, आप यह सोचेंगे तीन बार आ रहे हैं, बट नहीं, कॉन्सिक्यूटिवली एक बार जब हम हेड गिनने चले तो कहीं पे बीच में टेल का ब्रेक तो नहीं आया ना, HHT HH होता तो एक HH का पेयर शुरू में बन जाता, एक HH का पेयर बाद में बन जाता, बट यहाँ पे ऑलरेडी है ही तीन कॉइन्स, तो आप उसको उस केस को कंसीडर नहीं कर सकते जिसके अंदर पांच कॉइन वाला केस हो। अब देखिए, तीन दिन का है, यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्सिक्यूटिवली दो बार हेड नहीं आ रहा तो जीरो, यहाँ पे नहीं आ रहा जीरो, यहाँ पर आ रहा है वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आपके पास जीरो और यहाँ पर जीरो। अब जिन भी केसेस के अंदर जीरो है, जब इसके अंदर हेड रन्स हुआ ही नहीं, हेड मतलब इस तरीके के पेयर्स आए ही नहीं, तो उसकी लेंथ तो निकालने का मतलब ही नहीं बनता। जिन जिन केस के अंदर आपके पास वन या कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आई है, उसी के केस के अंदर आप लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब लेंथ आपको क्या निकालनी है, सिर्फ इन तीन केसेस की। इसके अंदर लेंथ कितनी है, तीन बार इकट्ठे हेड आया है, इसमें दो बार इकट्ठे हेड आया है, और इसमें भी आपके पास दो बार इकट्ठे हेड आया है। इस तरीके से आपको ये वैल्यूज निकालनी थी। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाकर दिखाना है। एक्स के केस के अंदर देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1, 2 या फिर 3। ठीक है, अब हमारे पास जब आप आर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है। जीरो कितने केसेस में है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, जीरो कितने केसेस के अंदर है, ओनली वन, तो 1/8। अब आपके पास वन कितने केस के अंदर है, 1, 2, 3, 3/8। 8 क्यों लिख रही हूँ, नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस ही आएंगे। 2 कितनी बार है, 3/8, और 3 कितनी बार है आपके पास, 1/8। चेकआउट कीजिए वो जो कंडीशन थी, क्या वेरीफाई हो रही है, सबका सम करने पे क्या 1 आ रहा है, राइट। ठीक है, अब देखिए आपको इसके बाद क्या करना है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, तो किस तरीके से आप करके दिखाएंगे प्लॉट, इधर आप ले लीजिए 1/8, 2/8, 3/8। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जीरो पे कितना आ रहा है, 0, 1, 2, 3। जीरो पे कितना आ रहा है, 1/8, इसको ऐसे प्लॉट करके दिखा देंगे। 1 पे कितना आ रहा है, 3/8, 2 पे 3/8 और 3 पे 1/8। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सेकंड वाले का निकालना हो, तो आपके पास सिर्फ दो केसेस आएंगे, 0 और 1। पी ऑफ वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5/8 and 3/8। इधर आप 0 पे यहाँ 5/8 प्लॉट कर लेंगे अलग ग्राफ बना के, और 1 पे आप क्या बना लेंगे, 3/8। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर है। इसी टाइप से आपको Z का भी बताना है। आई होप, आई थिंक आपको ये सारी बात क्लियर होगी, और बनाने के बाद अपनी बुक में से मैच भी कर लेना, सोल्ड एग्जाम्पल होगा ये आपकी बुक के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और नेक्स्ट देख लेते हैं, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड होगा। बहुत बेसिक सी कंडीशन उसमें आपको चेक करनी है, जो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताई थी, और आपने उसके अंदर से चेक करनी है क्या वो कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं। देख लेते हैं उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। तो ये आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसमें आपको चेक करना है कि किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए क्या कभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्या ये कभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन सकता है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल लीजिए, जो एक्स मोड आएगा, और उसके अंदर +1 करने पर आपके पास ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाली है। ठीक है, क्लियर।
क्योंकि ये आपके पास चीज़ हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है। बेसिकली अब हमें चेक क्या करना है, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो ए टू बी की वैल्यू दी हुई थी, यही करते हो ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाल के देखोगे। यहाँ पर आपके पास माइनस वन टू वन है, वन प्लस मोड ऑफ एक्स डी एक्स है। अब आपको बताइए इसको हम किस तरीके से खोलते हैं। माइनस वन से अगर जीरो के अंदर खोल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ नेगेटिव खुलेगी, और अगर हम जीरो टू वन के अंदर खोल रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू खुलेगी डी ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा ओवर द लिमिट्स माइनस वन टू जीरो, प्लस में इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ओवर द लिमिट जीरो टू वन। क्लियर, ये सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन खोला है। सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस जीरो पुट करने पे जीरो माइनस माइनस वन माइनस वन बाई टू डैट इज इक्वल टू प्लस थ्री बाई टू, एंड यहाँ पर भी आपके पास थ्री बाई टू आ रहा है। थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री। क्या सबमिशन करने पर थ्री वैल्यू पॉसिबल है? नो, वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, वन, और आ क्या रही है वैल्यू हमारे पास, थ्री। तो ये हमारे पास पॉसिबल केस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर आपके पास नहीं आने वाला, किसी न किसी ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाएगा। और अगर हमने आज ये एग्जांपल डिस्कस किया तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि ये भी एक कंडीशन होती है जो पहले हमें चेक करनी पड़ती है। एक बार हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं उसके बाद हमारे माइंड से निकल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें वेरीफाई भी करके देख लेनी चाहिए कहीं पर इस तरीके का कुछ पूछा गया है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में ध्यान में रखनी होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, बीएससी में आपका मे भी इतना सिंपल टू मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता हो, लेकिन आपके पास आईआईटी जैम के अंदर इतना सिंपल नहीं आएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं और आप आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओ, इसीलिए ये सब आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको पूरा एग्जैक्ट सॉल्व खुद से करना है। करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना और जो भी आपका आंसर आए वो आपको फिर बताना। चलिए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है बट बेसिक के लिए आपके लिए ज़रूरी है एक बार करना। आपके पास पहला केस क्या दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन और इक्वल लेस देन ए की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है इन दोनों का सम तो क्या होता है, वन। इन दोनों को अगर हम सम कर दें वन होगा और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू ही कितनी है, वन बाई टू एंड वन बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से लेके, ज़ीरो से वन है ना लिमिट, तो ज़ीरो से लेके ए तक आपके पास अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एफ ऑफ एक्स का डैट इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई टू के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड अब हम सॉल्व करेंगे और उसको 1 बाई टू के इक्वल रखेंगे, 3 बाई थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा आपका, अंदर आपके पास 0 टू a आ जाएगा 1 अपॉन टू, ये चीज़ कैंसिल आउट, a क्यूब माइनस 0 आपके पास 1 बाई टू आ जाएगी और a की वैल्यू आपके पास 1 बाई टू की पावर 1 बाय थ्री आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया, ए की वैल्यू। आई होप ए की वैल्यू निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसी में ही अगर साथ में बी की वैल्यू भी पूछ ली जाए, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर बी है तो ऑब्वियसली अब बी की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था कि ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसमें एक्स ग्रेटर देन बी है, यानी कि अगर मैं बी से वन तक का एफ ऑफ एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करूँ तो वो मेरे पास फाइव बाई हंड्रेड आ रहा है, डैट इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी, और ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, वन माइनस बी क्यूब सॉल्व करने के बाद डैट इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेंटी और बी क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नाइनटीन बाई ट्वेंटी। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लेंगे, नाइनटीन बाई ट्वेंटी की पावर वन अपॉन थ्री। ठीक है, इस तरीके से आपको ए और बी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं, कहीं पर भी इस तरीके का कुछ आ जाए तो एकदम से आपके माइंड के अंदर स्ट्राइक कर जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आज की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बच्चे का कुछ डाउट था कि रेंडम वेरिएबल क्या यूनिक होगा, अब आज की वीडियो देखने के बाद तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी और आप खुद भी बता सकते हैं कि आप, अच्छा कुछ और बच्चों को भी डाउट है तो मैं बता दूँ
कि रैंडम वेरिएबल यूनिक नहीं होता है। जैसे कि आपने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों ही रैंडम वेरिएबल्स थे, क्या वो यूनिक थे? नहीं। यूनिक का मतलब होता है कोई एक ही, और क्योंकि एक्स वाई जेड तीन का केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये चीज़ आज तो क्लियर होगी होगी आपको खुद से ही कि रैंडम वेरिएबल कभी भी यूनिक नहीं होता, एक से ज़्यादा हो सकते। ठीक है, अगली बात जो है आपके पास वो ये है कि जैसे आपके पास एक्स वन और एक्स टू दो रैंडम वेरिएबल है, या मैं कह सकती हूँ एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो एक्स प्लस वाई भी हमेशा रैंडम वेरिएबल होगा। एक्स इंटू वाई भी हमेशा आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा। और अगर मैं सी कोई कॉन्स्टेंट ले रही हूँ तो मेरे पास सी इंटू एक्स या फिर सी इंटू वाई दोनों ही क्या होंगे? रैंडम वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक दो बातें और हैं। अगर आपके पास एक्स वन कोई रैंडम वेरिएबल है और एक्स टू कोई रैंडम वेरिएबल है, तो इस तरीके से अगर मैं लिखूँ यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू और मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू, ये भी क्या होंगे? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि दोनों रैंडम वेरिएबल हैं तो उनका मैक्सिमम भी क्या होगा? रैंडम वेरिएबल ही होगा। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर आपके पास, अगर मैं यहाँ पर गिवन ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ कि एक्स मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है और एफ मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स भी मेरे पास क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा। और अगर आपके पास एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है और आपके पास एफ क्या दिया हुआ है? इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो भी आपके पास क्या होगा? एफ ऑफ एक्स एक रैंडम वेरिएबल होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर्टीज़ हैं, डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर इनका यूज़ होगा। ठीक है, बेसिक चल रहा है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो वेल एंड गुड, आपके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगर आपका बेसिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, 1.25x और 1.5x, ताकि आपको एक बार गो थ्रू हो जाए ये टॉपिक्स, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वाले और जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन कुछ असाइनमेंट्स के अंदर भी होंगे, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो के अंदर जितना भी एक्सप्लेन किया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़ एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।